Okay, in the last sessions, basically we have covered up software, JDK, JRE and JVM, right? So in this lecture, I'm going to discuss ki what is JDK, JRE, JVM. Ye main interview point of view se discuss kar raha hun, theek hai? Very, very important. Clear a point. So sabse pehle to ye cheeze yaad rakhna, jo computer kabhi language pucha jata hai interview mein, jaise aap enter karoge na, to aapse ye questions pucha jayega. Theek hai? Ki computer jo hai, kaun si language ko understand karta hai. ये लैंग्वेज की बात हो रहा है, ये नहीं बोला है जावा पीएचपी ये सब ये चीजें मत बोल देना, ठीक है? तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, फर्स्ट पॉइंट. अगर जहां हम आपस में रियल लाइफ में एग्जांपल दो, रियल लाइफ, सो हम आपस में बात करने के लिए यूज कर रहे हैं क्या, हिंदी लैंग्वेज, ठीक है ना? अगर आपस में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देने के लिए वी आर यूजिंग अ हिंदी लैंग्वेज, समटाइम्स वी कैन यूज अ इंग्लिश लैंग्वेज, राइट सर? टू परफॉर्म समथिंग, कुछ आपसे करवाना है तो, क्लियर है? तो हम लोग तो आपस में रियल में हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर इस लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा, हमारी भाषा को कंप्यूटर तो नहीं समझता है ना? तो कंप्यूटर भाई किस लैंग्वेज को समझता है, कौन सी भाषा को समझता है? वो समझता है बाइनरी को. देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ डेसिमल, डेसिमल और मैं बाइनरी. अब अगर जब मैं डेसिमल की बात करूं, डेसिमल जो जीरो होता है उसको हम बाइनरी में रिप्रेजेंट, वी कैन रिप्रेजेंट इन जीरो, और डेसिमल वन को वी कैन रिप्रेजेंट इन बाइनरी वन, क्लियर? एंड थ्री को वी कैन रिप्रेजेंट इन डबल वन, एंड फोर वी कैन रिप्रेजेंट वन डबल जीरो, क्लियर पॉइंट? ये बाइनरी लैंग्वेज होता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है. अब कंप्यूटर समझता है वन और जीरो के फॉर्म में. अब वन ही जीरो के क्यों, मैंने अभी जस्ट बताया कि ये बाइनरी लैंग्वेज कहलाता है, बाइनरी मशीन लैंग्वेज कहलाता है, जो मशीन समझ सके, अपनी लैंग्वेज को समझ सके. क्योंकि हम जो भी काम करवाएंगे कंप्यूटर से, अगर जब हम अपनी हिंदी और इंग्लिश में राइट करेंगे, हिंदी और इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देंगे, तो वो नहीं समझेगा, क्लियर? तो वो समझता है ऑलवेज वन और जीरो के फॉर्म में. अब वन और जीरो क्या है, बाइनरी नंबर है. अब देखो वन और जीरो ही क्यों, क्योंकि कंप्यूटर आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, और जब सर्किट में करंट जा रहा होता है उसको वन से रिप्रेजेंट करते हैं, जब सर्किट में कोई भी करंट नहीं जा रहा होता है उसको जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं. इसीलिए वन और जीरो के फॉर्म में बेसिकली बाइनरी नंबर, बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, राइट? अब आता है, अगर जब मैं बाइनरी लैंग्वेज की बात किया हूँ, तो मैंने 100 और 100 मतलब 100 प्लस 100 करवाना चाहता हूँ. आप सोचो कि यार बाइनरी लैंग्वेज में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा करना, ठीक है, इसको कन्वर्ट. तो यहाँ पे आता है आपको, यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं हाई लेवल लैंग्वेज. क्या हाई लेवल, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? प्रोग्राम या सीधे लिख दो हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है? यहाँ पे यूज करने वाले हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है हम लोग सीखेंगे जावा, क्लियर पॉइंट? डन. सो कंप्यूटर से काम करवाने के लिए हम लोग इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं कोड के थ्रू, और लैंग्वेज यूज करने वाले हैं जावा. वी विल गिव अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ समथिंग, क्लियर पॉइंट? डन. अब इसको कंप्यूटर में जब आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दोगे जावा कोड के थ्रू, तो जावा की कोड करने के लिए आपको चाहिए होगा जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट. क्या है ये, जावा डेवलपमेंट किट, अब ये चाहिए होगा, ठीक है? अब ये क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा मैं लेयर के थ्रू समझा देता हूँ. सबसे टॉप पे जो है आपका वो है जेडीके, एंड देन इसके अंदर भी एक लेयर है और इसके अंदर भी एक लेयर है, ठीक है ना? ये समझ लो ये सारी लेयर है, ठीक है? सबसे टॉप पे है आपका जेडीके, एंड देन इसके अंदर जो सेकेंड आपका कंपोनेंट होता है, बोल सकते हो जेआरई होता है, जो कि जावा रन टाइम एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, ठीक है? स्पेलिंग आप लोग भी देख लेना, ठीक है? जावा रन टाइम एनवायरमेंट, एंड देन इसके इनसाइड द जेआरई अनदर कंपोनेंट इज जेवीएम. जेवीएम क्या होता है आपका, JVM जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है? मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब करने में हो गया, ठीक है? तो आप JVM का होता है जावा वर्चुअल मशीन, क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू कॉल.
क्लियर टू ऑल, राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा क्लास लाइब्रेरी, ये हुआ आपका क्लास लाइब्रेरी, और ये हो सकता है आपका अदर लाइब्रेरी, अदर लाइब्रेरी। क्लियर है पॉइंट? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जेडीके के अंदर क्या है, जेआरई। ये जेडीके के अंदर अनदर कंपोनेंट है जेआरई, उसके अंदर भी एक अनदर कंपोनेंट है जीवीएम। क्लियर है? अब ये क्या करता है, ये क्या करता है, जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कोडिंग के थ्रू, जावा लैंग्वेज को यूज करके कंप्यूटर से जो हम काम करवा रहे हैं, ठीक है, वो चीजें क्या करता है जेडीके, क्या करता है, इस जावा सोर्स कोड जो हम लोग राइट करते हैं वो ह्यूमन अंडरस्टेबल होता है, हम लोग समझ सकते हैं, कंप्यूटर नहीं समझता है। कंप्यूटर में एक कंपाइलर बैठा होता है, वो कंपाइलर क्या करता है, जावा सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, ठीक है। अब ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है, हम लोग स्टेप नंबर फर्स्ट देखते हैं भाई, ठीक है। फर्स्ट होता है कंपाइलेशन, कंपाइलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में आपका होता है क्या, ये जो जावा सोर्स कोड है, मैं यहाँ पे थोड़ा राइट भी कर देता हूँ, ये आपका जो जावा सोर्स कोड, अब ये कोड जो होता है डॉट जावा फाइल होता है, क्लियर है। अब ये वाली जो फाइल होता है ना, ये वाली फाइल आपको यहां से, मैं ये जो होता है आपका बेसिकली कंप्यूटर नहीं समझता है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर के पास क्या होता है, कंपाइलर होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ कंपाइलर। अब ये कंपाइलर जो होता है बेसिकली ये होता है आपके सॉफ्टवेयर में, जो होता है सॉफ्टवेयर आपका जेडीके, मैं यहाँ पे राइट भी कर देता हूँ, ये आपको प्रोवाइड करता है जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। जावा में कुछ भी प्रोग्रामिंग करनी है, कुछ भी प्रोवाइड करनी है, तो आपको जेडीके सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा, क्लियर है ना, क्लियर है। और जावा की प्रोग्रामिंग आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हो, या मैक हो, या आपका विंडो हो, या लाइनेक्स, क्लियर। अब ये क्या करेगा, ये चीजें, ये कंपाइलर क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा इस कोड को, क्या करेगा वो, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। अब भाई किसमें कन्वर्ट करेगा, तो मैं यहाँ पे रोट कर देता हूँ आपको, ये जो कन्वर्ट होगा बेसिकली बाइट कोड में, किसमें, बाइट कोड, ठीक है, बाइट कोड, बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये बाइट कोड जो होता है डॉट क्लास फाइल होता है, डॉट क्लास फाइल, क्लियर है, डॉट क्लास फाइल, क्लियर है पॉइंट। तो जेडीके क्या किया, आपके जावा सोर्स कोड को, जावा सोर्स कोड को क्या किया, कंपाइलर कन्वर्ट कर दिया, जो कि जेडीके के अंदर होता है। अब ये कंपाइल, तो कंपाइलर कंपाइल अपना काम कर दिया, इसने बाइट कोड जनरेट कर दिया। अब ये जो बाइट कोड हुआ ना डॉट क्लास फाइल, ये होता है कि आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हो, जैसे मैंने विंडो पे इसका बाइट कोड बनाया है, आप मैक पे चला सकते हो, आप लाइनेक्स पे चला सकते हो, ये पोर्टेबल लैंग्वेज कहलाता है, जावा इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज, मतलब वी कैन कैरी अ बाइट कोड इन पेन ड्राइव एंड वी कैन रन एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लियर है पॉइंट, बशर्ते उसमें जीआरई होनी चाहिए, क्लियर है, डन। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेकेंड आप देखो एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन टाइम पे क्या होता है, तो एग्जीक्यूशन टाइम पे आपका होता है यो, ये होता है कि आपका जो ये बाइट कोड है, बाइट कोड जिसको आप बोलते हो डॉट क्लास, डॉट, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं, ठीक है, बाइट कोड जो आपका डॉट क्लास फाइल। अब ये जो डॉट क्लास फाइल है, ये क्या होगा, ये क्या होगा बताओ, आप मुझे बताओ, ये जेबीएम के पास जाएगा, ठीक है, ये मैं यहाँ पे जेबीएम, ये जाएगा आपके पास जेबीएम के पास, तो यहाँ पे मैं सर्कल में ही नोट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ जेवीएम, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन। अब ये जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है, इस जो कन्वर्ट होके आया है ना, इसको ये क्या करता है, नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है, ये जो बेसिकली बाइट कोड जो कन्वर्ट होके आता है ना, वो नेटिव लैंग्वेज में आता है, नेटिव, नेटिव कोड बोल सकते हो, नेटिव कोड। और ये
क्या होता है, ये मशीन कोड की तरह ही होता है, ठीक है ना, मशीन कोड की तरह होता है ताकि वो मशीन समझ सके उस चीज को। तो ये आपका प्रोसेस होता है, क्लियर है पॉइंट, डन। तो कंपाइलेशन टाइम पे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जावा सोर्स कोड कंपाइलर क्या करता है, जेडीके के अंदर होता है, वो कंपाइल करता है बाइट कोड में डॉट क्लास फाइल, और ये बाइट कोड आप कहीं से भी सिस्टम पे चला सकते हो लेकिन उसमें जेआरई होनी चाहिए। अब ये बाइट कोड फाइल जो होता है जेवीएम के पास जाता है, और जेवीएम क्या करता है, उसको नेटिव कोड समझ लेता है, नेटिव कोड में ही कन्वर्ट हो जाता है और इसको एग्जीक्यूट कर देता है रन टाइम, जो भी चीजें होता है रन टाइम पे एग्जीक्यूट कर देता है। तो सेकेंड पॉइंट ये बनता है, जो जेडीके है आपका और जेआरई है, वो दोनों प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है, और जेवीएम जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहलाता है, याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। इसीलिए जो डॉट क्लास फाइल बना ना, आप किसी भी सिस्टम पे चला सकते हो, जहां उस पे अगर जहां जेडीके नहीं भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जेआरई इंस्टॉल होनी चाहिए, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। अब एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इस मशीन कौन सी लैंग्वेज को समझता है, जावा हम क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, और जावा में स्टेप क्या होता है, किस तरह से कंपाइल होता है, किस तरह से एग्जीक्यूशन होता है, एवरीथिंग वी हैव कवर, राइट, डन। आई होप इट इज क्लियर।